गया शहर के कटारी क्षेत्र के अंबेडकर चौक पर स्थित इस्लामगंज मोहल्ले में ब्लेसिंग के द्वारा छात्राओं के लिए निशुल्क कंप्यूटर और इंग्लिश स्पोकन कोचिंग क्लास का शुभारंभ किया गया, जिसकी शुरुआत संस्था के सचिव प्रियंका यादव के द्वारा पिता काट कर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जितेंद्र यादव, पूर्व मुखिया, दुब्बर पंचायत एवं समाजसेवी विशाल राज मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले से प्रेरित होकर महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस कोचिंग का शुभारंभ किया गया है, जिसमें छात्राओं को मुफ्त कंप्यूटर तथा इंग्लिश का कोर्स करवाया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर और सशक्त हो सके। उन्होंने कहा कि हम सबका विकास तभी संभव है जब महिलाएं भी शिक्षित होकर हर घर में शिक्षा होगी। वही समाज से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने घर में बेटियों को भी बेटों जैसी ही पढ़ाई की आदत लगानी होगी। उद्घाटन के उपरांत ब्लेसिंग की बैठक आयोजित हुई, जिसमें छात्राओं के लिए सावित्री फुले पुस्तकालय का निर्माण पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर प्रेसिडेंट ऋषभ राज, ज्वाइंट सेक्रेटरी चंद्रशेखर सहित कई लोग मौजूद थे। क्या उद्देश्य संस्था का? उद्देश्य है महिलाओं को शिक्षित करना। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर कोर्सेज और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दे रहे हैं ताकि महिलाएं शिक्षित हो सके। सावित्रीबाई फुले हमारे रोल मॉडल हैं, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि महिलाओं को शिक्षित होना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है ससुराल में या फिर समाज में अशिक्षित होने की वजह से। तो अभी हम लोगों का मेन मकसद यही है कि उन लोगों को शिक्षित किया जाए, इतना शिक्षित किया जाए कि वो अपने पैर पे खड़ी हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए और अपना वो खुद का वो खर्चा निकाल सके। कटारी हिल संस्थान ब्लेसिंग में कितने युक्तियाँ जो सीख रही हैं कंप्यूटर और स्पीकिंग कोर्स? अभी हम लोग यहाँ पे 3 बैचेस चला रहे हैं। हाँ, 40 स्टूडेंट इन 1 बैच, तो उस अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रोग्राम रखा गया? आज यहाँ इस कोर्सेज का, इस संस्था का ओपनिंग है, उद्घाटन है आज ये कोचिंग का। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज में सभी महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी कि डर कर ना रहें, उनका हक है पढ़ाई, उनका हक है शिक्षित होना, वो अपने हक के लिए घर से आगे आए और समाज में डट कर आगे बढ़े। ये सोच आपको कहाँ से आई, कैसे आई? ये मेरे हस्बैंड एक मिस्टर राजकुमार समाज सेवी थे, उन्होंने बहुत सारे लड़कियों का कन्यादान करवाया, गरीबों का। तो वो कहीं ना कहीं उस कन्यादान करवाते वक्त शादी में देखते थे कि बहुत सारे ऐसी दिक्कतें लड़कियों को झेलना पड़ता था पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से। तो वो मुझसे शेयर करते थे कि समाज में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जहाँ से लोगों, जहाँ से लड़कियाँ शिक्षित हो सके। तो ये बीज बोया हुआ मेरे हस्बैंड मिस्टर राजकुमार का है, जिसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारी जो महिला है, हाँ, सावित्री बाई फुले, जो इस देश की पहली महिला शिक्षिका रही हैं, वहाँ से भी मुझे इंस्पिरेशन मिली। क्या नाम रखे हैं इस कोचिंग का? ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।